बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक क्या है? कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स क्या होती है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन। लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट y टू सेट g। Let f be the function from set x to set y, and g is the function from set y to set z. Then the composition of f and g is denoted by is given as g o f is a function from set x to set z। यहाँ से हमें कंपोजिशन मतलब कंपोज करना, दो मैपिंग्स हैं उसकी एक फंक्शन बनाना। ये f फंक्शन हमारे पास x टू y और g फंक्शन है y टू z। वैसे तो कंपोजिशन की मतलब एफ और जी दो फंक्शन है, तो हम एफ ओ जी या जी ओ एफ दो बना सकते हैं, लेकिन उसमें हमें यहाँ से देखना होता है इसकी स्ट्रेटजी। इन दोनों में टोटल तीन सेट होंगे, एक्स वाई और जी हम डिस्पोज कर लिए। एक में एक्स और वाई आ रहा, दूसरे में वाई और जी आ रहा है, तो दोनों में फंक्शन सेम कौन सा आ रहा है, वाई आ रहा है। वाई में देखना है कि हमारे पास की कंपोजिशन है जी ओ एफ, जी ओ एफ हम इसको बोल सकते हैं, और इसमें हमें देखना है कि जो सेम सेट आ रहा है दोनों फंक्शंस में, वो पहली पोजीशन पे जिस पे उस फंक्शन को पहले रखना है, और जिस फंक्शन में ये दूसरी पोजीशन पे आ रहा है उसको बाद में रखना है। ये जी ओ एफ इसकी डेफिनेशन में हमने इस तरह से इसको याद रखेंगे। जी ओ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू जी, जी ओ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू जी डिफाइंड बाई g o f of x is equal to g of f of x। ये हमारे पास इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। हमारे पास कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट y टू सेट z। देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज गिवन एज, कंपोजिशन ऑफ f एंड g जो है वो हम किस तरह से इसको डिनोट करते हैं, जी ओ एफ से डिनोट करते हैं या एफ ओ जी, डिफरेंट कैटेगरी हो सकती है। मैं इसके दरमियान में ओ आएगा और इधर दो फंक्शन आएंगे। फंक्शन कैसी की तरतीब क्या होगी कि हमारे पास दो फंक्शन हैं तो उसके लिए सेट तीन होंगे जो उसकी डोमेन रेंज में बनाएंगे। अब हमारे पास ये एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई और जी इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू सेट जी है। अब हमने दोनों में देखना है कि सेम सेट कौन सा आ रहा है, वाई आ रहा है। अब इसमें वाई कौन सी फर्स्ट पोजिशन पर है, तो जी पहले आएगा और इधर वाई सेकंड पोजीशन पे आइए, फर्स्ट आइए सेकंड, तो एफ बाद में आएगा। जी ओ एफ ऑफ एक्स, जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो हम इसको इस तरह कैसे लिखा जा सकता है, अभी ये देखिए। लास्ट टाइम हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमारे पास ये तीन सेट्स हैं एक्स वाई और जी। अब एफ फंक्शन है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, ये एफ फंक्शन है हमारे पास एक्स से वाई तक, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर इसमें पॉइंट एक्स है तो इस पर फंक्शन मैप हुआ तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स ये बन जाएगा, और ये किसके बराबर है, वाई के बराबर। अब यहाँ पे फंक्शन जो बनता है वो क्या है, वो जी है। यहाँ पे फंक्शन जो है वो जी है, तो ये हमारे पास अगर ये वाई है तो ये यहाँ पे भी पॉइंट देखें, जैसे ये फंक्शन एफ है, ये पॉइंट एक्स है, ये क्या बना, एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन हमारे पास जी है, पॉइंट वाई है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, वाई का पॉइंट वाई हमने स्मॉल ले लिया, तो वाई इज इक्वल हमारे पास, चलिए सिर्फ y, ये y, ये हमारे पास क्या बनेगा, g of y। लेकिन वी नो दैट y इज इक्वल टू f of x, y जो है वो हमारे पास इन दोनों के तकरीर हैं, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, f of x है, तो ये y की वैल्यू इसमें पुट करें, ये y इज इक्वल टू f of x, तो ये क्या बन जाएगा, g of तो हमारे पास अगर हम इनका आपस में रिलेशन देखें यहाँ से यहाँ तक, तो वो क्या बन रहा है, ये पॉइंट एक्स है और ये क्या है, जी ओ एफ एफ एक्स,
तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, तो ये जो नया फंक्शन है इसको बोलेंगे जी ओ एफ बोलेंगे, क्योंकि ये एक्स को इस पर मैप करता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पर मैप करता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पर। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या फाइंड करना है, द रियल वैल्यू फंक्शन एफ एंड जी आर गिवन, ये हमें गिवन है, और फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड नंबर 1 एफ ओ जी, नंबर 2 जी ओ एफ, नंबर 3 एफ ओ एफ, और नंबर 4 जी ओ। ये हमें फाइंड करने हैं हर क्वेश्चन में, जैसे इसमें पहला जो है देखिए जरा, ये बल्कि इसके ए बी सी जो हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी। पहला जो इसका ये बनता है, इस क्वेश्चन में एफ और जी क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स है 2x+1 और जी ऑफ एक्स है 3/x-1। ये दो क्वेश्चन एफ और जी में दिए। अब इसमें लिखे हैं पहला जो हमने फाइंड करना है ए, ए में हमें क्या फाइंड करना है, एफ ओ जी, ये फाइंड करना है, ये ऑपरेटर इसके साथ हम वेरिएबल एक्स लिखेंगे, एफ ओ जी ऑफ एक्स, बाय डेफिनेशन हम इसको बोलेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ओ ओ फॉर ऑफ है, ओ की जगह क्या आ जाएगा ब्रैकेट में। अब ये अंदर जी जी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3/x-1, 3/ जी ऑफ एक्स इसके बराबर है, यहाँ लिख दिए। अब देखिए ये एफ ऑफ एक्स है तो 2x+1, अगर हमें एफ ऑफ 0 फाइंड करना है तो 2×0+1, एफ ऑफ 1 फाइंड करेंगे तो 2×1+1। तो ये वाली जो वैल्यू है, अब ये हमने ये पुट करना है किसके अंदर, फंक्शन एफ में, कहाँ पे, जहाँ पे वेरिएबल एक्स आ रहा है। तो इसमें देखिए ये एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, तो एफ ऑफ 3/x-1 किसके बराबर होगा, 2×3/x-1। ये बन जाए, इसको हल कर लेंगे, यह आ जाएगा 6/x-1+1, एक्सम लिया 6+x-1/x-1, और यह आ जाएगा x+5/x-1। ये हमारे पास क्या आ गया, एफ ओ जी ऑफ एक्स। इसी तरह हम दूसरा फाइंड करेंगे बी, बी में हमने क्या फाइंड करना है, जी ओ एफ ऑफ एक्स, इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, g×2x+1, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है यहाँ दर्ज कर। अब ये वाली जो वैल्यू है किसके अंदर दर्ज करनी है, जी फंक्शन में, और कहाँ, जहाँ पे एक्स आ रहा है, जी में एक्स यहाँ पे आ रहा है, इस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 2x+1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2x+1-1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3/2x। इसका जो नंबर 3, इसका जो नंबर 3 सी है, वो हमें क्या फाइंड करना है, वहां पे एफ ओ एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। और पहले वाले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की, वो हमारे पास आ जाएगा 2x+1। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 2x+1।
अब ये फिर वापस वैल्यू इसमें f में ही दर्ज करनी है इस x की जगह पे, वो आ जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 1 प्लस, ये आ जाएगा 2x प्लस 1, x की जगह हमारे पास क्या आ रहा था 2x प्लस 1 आ रहा था, ये आ जाएगा 4x प्लस 2 प्लस 1, 4x प्लस 3, ये इसका आंसर है। और जो d चूज है इसका वो हमने फाइंड करना है g ऑफ x, मैंने इसको लिखा g ऑफ x। अब g ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, g ऑफ 3 ओवर x माइनस 1। अब ये वाली जो वैल्यू है ये g में दर्ज करनी जहां x आ रहा है, तो ये भी इधर इसे इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू ये वाला जो g ऑफ x है, ये आ जाएगा 3 ओवर x की जगह क्या आ जाएगा 3 ओवर x माइनस 1 माइनस। बेसिकली g ऑफ x क्या है, जी ऑफ एक्स है 3 ओवर एक्स माइनस 1, तो ये सारा अगर हम x लें तो ये क्या बन जाएगा 3 ओवर x माइनस 1, लेकिन x की जगह पे क्या आ रहा है 3 ओवर x, मजीद 3 ओवर x माइनस 1 आ रहा है। अब इसको हल किया या जाएगा 3 इंटू 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, ये ऊपर चला जाएगा 3 इंटू x माइनस 1 और बटे में आ जाएगा 4 माइनस x, ये इसका आंसर। तो हमारे पास हर जूस में दो फंक्शन दिए गए होंगे, एक एफ ऑफ एक्स और दूसरा जी ऑफ एक्स, और हमें उसके चार टर्म फाइंड करनी है, एफ ओ जी, जी ओ एफ, एफ ओ एफ और जी ओ जी हमने फाइंड करना है। ये चार क्वेश्चन हैं, बिल्कुल ऐसे ही फाइंड करने हैं। फिर से मैं आपको बता दूँ, एफ ओ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की, अब ये वाली वैल्यू फंक्शन एफ में दर्ज करनी है कहाँ पर, जहाँ एक्स आ रहा है, मतलब जो x है उसकी जगह, मतलब f ऑफ x में x कहाँ आ रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर हम 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 ओवर x माइनस 1 पूरी टर्म को। अब ये है g ऑफ f x, ये पहले f ऑफ x की वैल्यू दर्ज की, अब ये वाली जो वैल्यू है ये कहाँ फंक्शन में दर्ज करनी है, g में, g फंक्शन में x में से एक माइनस हो रहा है, अब ये x में से एक माइनस नहीं करेंगे, 2x प्लस 1 में से एक माइनस करेंगे, इस तरह से हमें इसको याद रखना है। एफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दर्ज की, अब ये वाली वैल्यू इसमें दर्ज करनी है एफ में, अब एफ में देखिए एफ में क्या है कि एक्स के पे है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब 2 के साथ एक्स को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली जी ऑफ एक्स भी है कि जियो जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, अब इस वैल्यू को कहाँ दर्ज करना है, जी फंक्शन में, जी फंक्शन में 3 ओवर एक्स में से 1 माइनस हो रहा है बटेंगे, अब एक्स में से 1 माइनस नहीं करेंगे, इस पूरी टर्म में से, पूरी टर्म में से 1 माइनस करेंगे, ये तकलीफ हम लाइफ लव इस।